जो 5 लाख रुपए आप देख रहे हो ना, इस 5 लाख रुपए का आप पावर देखना चाहोगे या ताकत देखना चाहोगे, देखिएगा थोड़ा एक छोटा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप लमसम करने की सोच रहे हो, मार्केट हाई है। देखिए यही वैल्यू आपका जो बनने वाला है, 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, ओनली 5 लाख रुपए, और देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए से कैसे 3,31,05,000। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं गमडर एडू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मार्केट ऑल टाइम हाई है, लमसम करना कितना सही होगा इस वीडियो में जानेंगे। आप देख सकते हैं जो मार्केट जो है 23,465.60 रुपए में पहुंच चुका है और कैसे पिछले एक साल में जो मार्केट का रिटर्न दिया है वो 25% का दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं इसको आप समझ लेते हैं। एक व्यूअर्स ने कॉल पे पूछा कि सर अभी 2 लाख रुपए मुझे लमसम करना है तो क्या मार्केट हाई है, लमसम कर सकते हैं? तो आपके भी मन में ये सब सवाल चल रहा होगा। आपको पता होगा कि 4 जून के आसपास करीब मार्केट 5% के आसपास डाउन गया था, तो आपने देखा कि जिन्होंने 4 जून को पैसा इन्वेस्ट किया था, चाहे 25,000 किया हो, 1 लाख किया हो, चाहे 10 लाख किया हो, उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आपको भी पता चला कि भाई आप मुझे भी मार्केट में पैसा डालना है, लेकिन अभी तो मार्केट हाई है तो क्या करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए लमसम में या नहीं करना चाहिए, तो यही हम जानेंगे। तो इससे हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2002 से और अगर मैक्सिमम 2024 की बात करें तो मार्केट में जो करीब 2534% का जो है वो रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे सवाल ये आता है कि 2 लाख रुपए लमसम करना है तो क्या सही समय है, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप सोच रहे हो लमसम करने का, तो आज मैं संडे को वीडियो शूट कर रहा हूँ और मंडे को अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन जाए या फिर हाई जाए तो क्या करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो से आप जानोगे। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन से मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कब कब लमसम करना चाहिए और कब कब नहीं करना चाहिए, और अगर हाई मार्केट में यदि आप लमसम कर देते हो तो क्या नुकसान हो सकता है आपको, ये हम जानेंगे। 4 जून 2024 में करीब मार्केट जो है 5% के आसपास डाउन गया था, और ये जो छोटा सा जो एक डाटा है इससे हम समझेंगे कि यहाँ पे 4 जून है और यहाँ पे जो है ये 7 जून है, इन दोनों के बीच में यदि डिफरेंट देखे तो 6.42% का जो है अंतर है, यानी कि 4 जून को 5% मार्केट माइनस गया और वही 7 जून को ये मार्केट उठ गया जो कि 6.42% के दर से मार्केट उठा। तो मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जितने दर से मार्केट गिरेगा तो उससे 1 गुना 2 गुना रफ्तार से जो है मार्केट अप भी जाता है, तो यहां पर यह डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर 2 मित्र की कहानी से मैं आपको समझा दूंगा कि प्रैक्टिकल यदि आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या फर्क होगा। एक मित्र जो है वो 4 जून को पैसा इन्वेस्ट करते हैं 12 बजे से पहले, और एक मित्र जो है 7 जून को पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट 6.42% के दर से हाई हो जाता है। तो आखिर क्या फर्क होगा, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मानते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे मान के चलते हैं कि 23,465 जो है मार्केट है, यहाँ पे एक साल का रिटर्न है, देख सकते हैं 25.11% का जो है यहाँ पे रिटर्न है, यानी कि इसको हम अगर राउंड फिगर में माने तो 25% का मान लेते हैं पिछले एक साल का रिटर्न, यानी कि 4 जून 2024 से लेकर 4 जून 2025 का रिटर्न कितना है, 25% का रिटर्न है। और इसको याद रखिएगा, इससे हम समझेंगे और कैलकुलेट करेंगे और इसी से समझ में आएगा कि आखिर क्या क्या फर्क होता है। तो ये है 2 मित्र, पहला मित्र और दूसरा मित्र, इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, पहला फ्रेंड दूसरा फ्रेंड। जो दूसरा फ्रेंड जो है वो 4 जून जब मार्केट लो होता है तब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और बात करें पहले फ्रेंड की तो पहला फ्रेंड 7 जून को जब मार्केट हाई होता है तब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। तो इस हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो तब समझ में आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसने 7 जून को मार्केट में पैसा डाला 2 लाख रुपए, तो उसका जो डिफरेंट आया वो 6.42% का डिफरेंट आया। ये जो 6.42% का जो डिफरेंट है तो इसको हम अभी समझेंगे आगे जाके। और जो 4 जून को जो दूसरे फ्रेंड ने जो लमसम किया 2 लाख रुपए, तो इनको जो है 5% का जो है माइनस में किया था मार्केट डाउन पे। अब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था दोनों फ्रेंड ने अलग अलग करके, तो टोटल रिटर्न की बात करेंगे कि इनको एक साल का रिटर्न कितना मिल सकता है और कितना मिला होगा, तो देखिए 25 माइनस में 6.42%, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो 25 में से जब 6.42% को जब माइनस करेंगे 25 में से तो 18% आ जाएगा, यानी कि 18.58% रिटर्न, ठीक है, पिछले एक साल का। सेम वहीं पे कि आपको पता होगा
कि 25% का टोटल मार्केट का रिटर्न है एक साल का, तो यहां पे जो दूसरे फ्रेंड ने 4 जून को जब पैसे को इन्वेस्ट किया था 2 लाख रुपए, तो यहां पे प्लस होगा क्योंकि यहां पे गिरती हुई मार्केट में किया और जब इनको रिटर्न मिला तो ये हो जाएगा इनका प्लस। तो प्लस मैंने यहां पे मिनिमम किया, प्लस 5% ही किया, तो टोटल हो गया यहां पे 30% का रिटर्न एक साल का, क्योंकि ये तो मार्केट का रिकॉर्ड है और आपने गिरती हुई मार्केट में किया तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यानी कितना हो गया, 30% का रिटर्न हो गया। सेम म्यूचुअल फंड में डाला है दोनों फ्रेंड ने, तो देखिएगा जो फर्स्ट फ्रेंड का जो कैलकुलेशन होगा 18% के हिसाब से, 2 लाख रुपए लमसम एक साल का, 25% का रिटर्न था मार्केट का, लेकिन यहां पे माइनस भी हो रहा है तो 18% जो है यहां पे आ गया माइनस कर कुरा के। ठीक है, तो 2 लाख रुपए से कैसे मैच्योरिटी वैल्यू 2,36,000 रुपए बना, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा मिल गया एक साल में, तो 36,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया पहले फ्रेंड को जो कि हाई मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट किया था। अब बात करते हैं सेकंड फ्रेंड की, दूसरे मित्र की, तो देख सकते हैं इन्होंने लो मार्केट में पैसा डाला था, वही सेम 2 लाख रुपए अमाउंट, एक साल का जो रिटर्न इनको मिला वो 30% का मिला, तो 30% के हिसाब से आप यहां पे देख सकते हैं 2 लाख रुपए से 2,60,000 रुपए बना के दिया, यानी कि 60,000 रुपए का गेन हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। आप यहां पर डिफरेंट देखेंगे कि देखिएगा कि 60,000 माइनस में 36,000, अगर इसमें माइनस करेंगे तो 24,000 का जो है वो किसको लॉस हुआ, पहले फ्रेंड, यानी कि जब मार्केट हाई था तब पैसा इन्वेस्ट किया था उनको लॉस हो गया, सेकंड फ्रेंड को 24,000 का प्रॉफिट हुआ। यही 2 लाख रुपए यदि बड़ा अमाउंट होता करीब 10 लाख के आसपास, तो आप देख सकते हैं कि 10 लाख रुपए लमसम एक साल के लिए पहला फ्रेंड को 18% के दर से रिटर्न मिला, वो मैं आपको समझा चुका हूं ऊपर, समझने की कोशिश करना, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना, आपको समझ में जरूर आएगा। तो 10 लाख रुपए से मैच्योरिटी वैल्यू 11,80,000 रुपए, प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1,80,000 रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर हम समझेंगे कि सेकंड फ्रेंड की बात, सेकंड फ्रेंड को जो है 30% का प्रॉफिट मिला, 10 लाख रुपए एक साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख रुपए से 13 लाख रुपए मैच्योरिटी वैल्यू, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। वहीं पे सेम अगर डिफरेंट देखे तो 3 लाख रुपए माइनस 1,80,000, यानी कि प्रॉफिट से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो 1,20,000 रुपए जो है वो प्रॉफिट हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ, दूसरे फ्रेंड को, क्योंकि 4 जून को पैसा इन्वेस्ट किया था डाउन मार्केट में। तो यहां से एक बात तो साफ क्लियर होता है कि यदि हम लोग डाउन मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और यदि हम हाई मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो अब सवाल ये आता है, तो क्या सर फिर हम हाई मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग बिल्कुल क्या है, नए हैं, फ्रेशर है, बिगिनर है, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए आपके लिए जो सबसे सर्वोत्तम जो है वो क्या करना चाहिए, वो ये है कि देखिए यदि आपको 2 लाख रुपए लमसम करना है, 3 लाख रुपए करना है, 10 लाख रुपए करना है, जो भी आपको लमसम करना है, तो सबसे पहला काम, अभी मार्केट हाई है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो जैसे 4 म्यूचुअल फंड चुन लिया, 5 चुन लिया, यदि 5 म्यूचुअल फंड भी चुनते हो और आपको लमसम ही करना है तो क्या करना होगा, आपको मिनिमम जो लमसम अमाउंट होता है म्यूचुअल फंड का, वो मिनिमम अमाउंट जो है अगर मंडे को मार्केट अगर थोड़ा सा लो होता है या नहीं भी होता है तो उसमें आप मिनिमम अमाउंट उसका लमसम करके छोड़ दीजिए और पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिएगा। अब मिनिमम अमाउंट कितना होता है, जैसे अगर SBI में करेंगे तो उसका 500 रुपये या फिर 5,000 रुपये लमसम मिनिमम अमाउंट है, तो उतना करके आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। फिर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है HDFC है, तो उसमें आपका मिनिमम अमाउंट 100 रुपये होगा या फिर 500 रुपये होगा, उसमें आप लमसम करके उसका एक पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर लीजिएगा। जब इस तरीके से 5 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपको वेट करना है कि जैसे ही मार्केट 1% गिरे, 2%, 3% गिरे, उसी टाइम जिस प्रकार से मार्केट ज़्यादा गिरेगी उसी प्रकार से आपको लमसम करना है। बात आपको समझ में आ गई है? अब बेसिक आपका सवाल है जो आप लोग कमेंट में अक्सर पूछते रहते हो, यदि आपका भी कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, किसी ना किसी वीडियो में आपका सवाल जो है जरूर लिया जाएगा और आंसर जरूर दिया जाएगा, तो कमेंट करना ना भूले। तो देखिए पहला जो कमेंट है कि सर SBI PSU फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड दोनों में से कौन सा फंड जो है बेस्ट रहने वाला है, जरूर बताइएगा। तो देखिए यहां पे SBI PSU फंड है वर्सेस SBI कॉन्ट्रा फंड है, दोनों का कुछ डिफरेंट देखने वाले हैं और आपको डिसाइड करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, जरूर बताइएगा दोनों में से कौन सा फंड अच्छा है। देखिए अगर बात करें SBI PSU फंड की, तो यह सेक्टोरल फंड है, थेमेटिक फंड है, इसमें जो ओवरऑल का जो रिटर्न दिया है जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 13% का रिटर्न दिया है, और अगर बात करें SBI कॉन्ट्रा तो ये इक्विटी कॉन्ट्रा फंड है। कॉन्ट्रा का ये मतलब होता है कि इसकी जो होल्डिंग है, जो भी स्टॉक, जो भी इक्विटी इसकी होल्डिंग है, तो वो इक्विटी
फंड मैनेजर को पता है कि ये जो आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है वो स्टॉक यानी कि वो कंपनी, तो उसी कंपनी को ये क्या करते हैं, पैसा उस कंपनी में लगाते हैं। आने वाले समय में अच्छा खासा वो कंपनी जाने वाला है यानी कि फ्यूचर देख लेते हैं उस कंपनी का, तो फंड मैनेजर उसी कंपनी में पैसे को लगाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसलिए ये थोड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि फंड मैनेजर को पता है। अगर ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 18% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, बहुत पुराना म्यूचुअल फंड है। अगर फंड साइज की बात करें तो 3,071 करोड़ जो है फंड साइज है SBI PSU का, लेकिन अगर कॉन्ट्रा की बात करें तो 30,520 करोड़ इसका फंड साइज है। तो फंड साइज भी ज्यादा है, फंड मैनेजर भी अच्छा होगा, हो सकता है यही फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहा होगा, लेकिन अभी मैंने इसका देखा नहीं कौन सा फंड मैनेजर है, लेकिन ये वाला फंड जो है इससे अच्छा हो जाता है। तो आपकी नजरों में कौन सा फंड अच्छा है जरूर बताने की कोशिश करना, कमेंट जरूर करना, जो भी आपका ओपिनियन हो, सही हो गलत हो, मेरे बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर रिव्यू माय पोर्टफोलियो प्लीज, क्वांट स्मॉल कैप में 1000 की SIP, टाटा स्मॉल कैप में 1000 की SIP, दोनों फंड अच्छा है जबरदस्त है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 20,000 लमसम। देखिए मैं कहना चाहूंगा इसमें कि पराग परिक फ्लेक्सी कैप में भी आप 1000 की SIP चालू कर सकते हैं या फिर 2000 की SIP आप चालू कर सकते हैं, यह भी फंड अच्छा है जबरदस्त रिटर्न देने वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर मेरा जो है नॉलेज कम था, यानी कि इनका नॉलेज कम था, आदित्य बिरला PSU में 2000 रुपए, इसकी जगह में आपको क्या करना था, स्मॉल कैप चुन लेना था, उसके बाद है BOI ब्लू चिप में आपका 100 रुपए है, इसकी जगह आप HDFC अगर चुन सकते तो बेटर हो सकता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। SBI कॉन्ट्रा फंड जबरदस्त फंड है, ICICI वैल्यू डिस्कवरी, इसकी जगह में आप निपोन इंडिया स्मॉल कैप में यदि आप कर सकते हैं SIP कर सकते हैं तो जबरदस्त रहने वाला है। SIP ले लिया है कि क्या ये सब फंड सही रहेगा, अगर नहीं तो कौन सा फंड, दो फंड है तो SIP कैंसिल करने से सही रहेगा प्लीज बताइएगा। तो देखिए SIP कैंसिल करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप बताना कि SIP कैंसिल करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में भी कुछ बताओ, तो HDFC अगर ये फंड अगर आप सोच रहे हैं और यदि आप फ्रेशर है मेरी वीडियो देख रहे हैं अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो HDFC मिड कैप इससे ज्यादा जबरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये वाला जो फंड है वो सेक्टरल फंड है। और अभी बताया कि मैं अक्सर बताता रहता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं सेक्टरल फंड से आपको बचना है, इसकी जो फंड साइज है वो भी थोड़ा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैं क्वांट लार्ज कैप मिड कैप में 2000 की SIP, क्वांट लार्ज कैप मिड कैप बेहतरीन फंड है रख सकते हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 2000 की SIP, निपोन इंडिया स्मॉल कैप में 2000 की SIP, आगे लिखते हैं कि सर बताना मुझे कि क्या मैंने सही किया है। देखिए यदि आपका उम्र कम है तो आपको थोड़ा स्मॉल कैप लेना चाहिए, क्वांट स्मॉल कैप लेना चाहिए, आपने मिड कैप लिया है चलिए एक मिड कैप है सही है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप सही है, निपोन इंडिया स्मॉल कैप सही है, मिड कैप स्मॉल कैप इसमें ही आपको चलाना है यदि आपकी उम्र कम है तो, बाकी सारे फंड ओके है चला सकते हैं आप, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के बारे में कुछ बताओ, 10 मई को मैंने चालू किया है 1000 रुपए पर मंथ। तो देखिए इसकी अगर रिटर्न देखा जाए तो अभी पिछले एक साल का जो रिटर्न दिया है 68% का दिया है, फंड साइज की बात करें तो 4,131 करोड़ फंड साइज है, फंड साइज भी ओवरऑल ठीक होने जा रहा है। अगर बात करें जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से 55% का रिटर्न दिया है, तो कहने का ये मतलब है कि ओवरऑल ये फंड अभी सही है, लेकिन ऊपर जो बताया हुआ है और जो वीडियो में मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं उसके मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जबरदस्त है करते रहिए, ये इसका भी आगे जाके परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। ये जो 5 लाख रुपए आप देख रहे हो ना, इस 5 लाख रुपए का आप पावर देखना चाहोगे या ताकत देखना चाहोगे, देखिएगा थोड़ा एक छोटा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप लमसम करने की सोच रहे हो, मार्केट हाई है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपना पोर्टफोलियो जो है क्रिएट करके रख लीजिएगा मिनिमम अमाउंट से, और देखिए 30 साल के लिए यदि इस पैसे को इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं और ज्यादा नहीं 15% का ही अगर रिटर्न मिल जाता है हम लोगों को, कितना 15%, 5 लाख रुपए पे 15% 30 साल के लिए, देखिए यही वैल्यू आपका जो बनने वाला है, 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया ओनली 5 लाख रुपए, और देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए से कैसे 3,31,05,000 रुपए आपको जो है ये बना के दे सकता है। तो ये है कंपाउंडिंग का पावर और ये कंपाउंडिंग का ताकत कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5 लाख से 3,31,05,000 रुपए आपको बना के दिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर कौन वेट कर सकता है 30 साल तक, हम नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा, आप 25 साल तक तो वेट कर सकते हैं ना,
यदि आपकी उम्र अभी 20 साल है तो 20 प्लस में 25 यानी कि 45 साल की उम्र में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो सिर्फ 5 लाख रुपए से, 15% का रिटर्न। देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए आपने टोटल इन्वेस्ट किया और कैसे 5 लाख रुपए से 1,64,00,000 रुपए जो है आपको बना के दिया। इसमें से इन्फ्लेशन, आपको कुछ टैक्स देना हुआ, तब भी जो है आपका 1.5 करोड़ रुपए जो है बनने वाला है आपकी पोर्टफोलियो में। तो इसीलिए कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए, जानिए कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या है, तो हमारे पैसे में कैसे ग्रोथ हो सकती है, ये सब कुछ जानिए, सर्च करिए। अगर आपको इस वीडियो से समझ में नहीं आया तो चैनल में बहुत सारी वीडियो है म्यूचुअल फंड के बारे में, उन वीडियो को जाके देखिए, समझिए, इसमें टाइम इन्वेस्ट करिए। कहीं आप ये सोचोगे कि चलो रील्स स्क्रॉल करके देख लेता हूं, कुछ नहीं मिलने वाला, 0/0 होने वाला है। इसी प्रकार से यदि आपको SIP करना हो, लमसम करना हो या फिर SWP करना हो, बेस्ट एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे डाउनलोड करके KYC कंप्लीट करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम आप 100 रुपये से ट्राई कर सकते हो, मैक्सिमम आगे कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट से लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है 7982207221 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।